दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। अगले दो सप्ताह में फिर से राज्य में कैबिनेट की बैठक होने वाली है और तमाम संविदा कर्मी से जुड़ी बेहद ही महत्वपूर्ण खबर लेकर के आए हैं और वीडियो में आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार के तमाम विभाग के संविदा कर्मचारी से डेटा ब्यौरा सामान्य प्रशासन विभाग को मिल चुका है और आज की इस खबर में आपको हम बताने वाले हैं कि बिहार के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी का पहले 44 कैडर बनाए गए थे, लेकिन सभी संविदा कर्मी को सहूलियत देने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी को भी मर्ज कर दिया है। बिहार के वैसे संविदा कर्मी जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं उन सभी को सरकार 44 विभाग के कैडर में मर्ज कर दिया है, जिसके बाद संविदा कर्मचारी का एक कैडर में बहुत ही लंबी लिस्ट हो चुकी है। कैडर में अब 44 से लेकर 60 विभाग तक के कर्मी को इसमें अप्रोच किया गया है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि उन सभी विभागों का नाम इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन कुछ भी अभी सरकार आधिकारिक तौर पर बताने को लेकर तैयार नहीं दिख रही है। जितने भी बिहार के संविदा कर्मी को राज्य कर्मी बनाने सहित और सुविधा मिलने वाली है वो मिलेगी और जितने भी मौजूदा समय में जो महंगाई भत्ता वो आपको दिया जाएगा तो इसमें सभी विभागों के संविदा कर्मी शामिल होंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर अगर कार्य जारी रहता है, सामान्य प्रशासन विभाग का दबाव रहता है तो वो तमाम ऐसी बातें हैं जो सरकार आधिकारिक तौर पर नहीं कहना चाहती है। प्रेस रिलीज एक बारी जारी होगी और संविदा कर्मी के विभाग से संबंधित प्रेस रिलीज जो है सूचना विभाग ही जारी करेगा। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग में संविदा कर्मी से संबंधित डेटा आ चुका है और सरकार की मंशा ये है कि दो कैडर बनाए जाए और सरकार इसको लेकर अग्रतर कार्रवाई भी कर रही है। 44 विभागों के संविदा कर्मी का अलग से कैडर सरकार बनाएगी, बाकी का जो बचे हुए संविदा कर्मी है उन्हें अलग कैडर बनाकर वेतन वृद्धि भत्ते से संबंधित लाभ दिया जाएगा और इसमें समय तो लगेगा ही और इसको लेकर राज्य सरकार स्पष्ट रूप से तैयारी करना चाहती है, हड़बड़ी दिखाना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर कैडर में एक भी विभाग के कर्मचारी का विभाग छूटा तो आंदोलन प्रदर्शन इत्यादि देखने को मिल सकते हैं। सरकार सभी को मर्ज करके एक कैडर में लाना चाहती है और आपको बता दें कि 31 तारीख तक फिर से बिहार में कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और सरकार इसमें एक अहम फैसला लेगी क्योंकि ये पूरी तरह से सरकार के अंडर में आता है। संविदा कर्मी बिहार के लिए अगर ये फैसला होता है तो ये एक अहम फैसला रहने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको संविदा कर्मी से संबंधित और भी छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।